शहरीों के मसाइल आपने सुने और दीगर जो सियासी तनजीमें उन मौक़ भी आपने सुना इस वक्त मेयर कराची मुतदा वहाब हमारे साथ मौजूद है हम उनसे जानते हैं मेयर साहब ये बताइएगा कि शहर कराची में जो शहरीों के मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे एम क्यू एम जमात इस्लामी इल्ज़ामायद करती है कि मेयर कराची ये मसाइल हल नहीं कर पा रहे क्या वजह इसकी यानी कि जो शिकायतों के जिम्मेदार हैं वे कह रहे हैं कि शिकायतों का मेवर इस वक्त मुतदा वहाब है जिन लोगों ने खुद इस शहर की तनजुली में अपना किरदार अदा किया अफसोस होता है कहते हुए कि वो आज मेरे एक साल को रेड कर रहे हैं इस तरीके से मसाइल हैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं लेकिन मसाइल का हल जो है अगर आपको होता हुआ नज़र आ रहा है तो आपको पीपल्स पार्टी करते हुए नज़र आ रही है चाहे वो बारिश का मसला हो चाहे वो सड़कों की अस्तरकारी हो जो भी डेवलपमेंट का काम हो वो आप देखेंगे कि या तो के काम कर रही है या जहाँ पे पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन मौजूद हैं कोई मुझे आप जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन बता दीजिए जो काम कर रहा हो बाकी एम जो है वो हर अकतदार का हिस्सा होती है हर हुकूमत का हिस्सा होती है लेकिन बदकस्मती के साथ आज भी कराची के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं ले जा पाए जो हालात इस शहर के भुट्टो साहब के ज़माने में थे उससे अगर आज आप मवाजना करते हैं तो आपको नज़र आएगा तनजुली हुए क्यों कि जमात इस्लामी के कंट्रोल में शहर रहा ये एम क्यू एम के कंट्रोल में रहा और नफ़रत की सियासत की गई तब की सियासत की गई नतीजा ये है कि हमारा नुकसान हुआ मैं समझता हूँ कि हमें बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है अपने जहनों से अपने कामों से इस तब को दूर करने की ज़रूरत है और बिला तफरी खदमत की ज़रूरत है पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है कि जो मैंडेट कराची शहर में पीपल्स पार्टी को मिला है पीपल्स पार्टी चाहे पानी हो चाहे सेवरेज हो चाहे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो बल्दियाती इदारों को अपने पैरों पर फाइनेंशियल तौर पर खड़ा होना हो इन तमाम चीज़ों के ऊपर पीपल्स पार्टी कमिटेड है और इन शाला जब यह टेन्यर ख़त्म होगा एक वाज डिफरेंस आपको हमारे दौर में और हम पर तनकीद करने वालों के दौर में नज़र आएगा अच्छा जबात इस्लामी का मौक़ है कि जो शफीक बोर्ड से अल्लाह वाली चरगी तक रोड है वो के एम सी के जो अंडर में है लेकिन मेयर कराची यहाँ जो है इसका काम नहीं करवाते और जो मदीना कॉलोनी का इलाका है वो भी सीवरेज की वजह से तबाह हो चुका है घरों में गटरों का पानी जा रहा है तो इस पर क्या कहेंगे तनकीद वाले लोग तनकीद करते हैं ना अब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि लिया की गलियाँ ठीक कर दी हैं उन्होंने टाउन चेयरमैन कौन है वहाँ का क्या नॉर्थ नाजामबाद की गलियाँ ठीक कर दी हैं उन्होंने टाउन चेयरमैन कौन है वहाँ का फेडरल बी एरिया की गलियाँ ठीक कर दी हैं टाउन चेयरमैन कौन है वहाँ का न्यू कराची गलियाँ ठीक कर दी हैं टाउन चेयरमैन कौन है, है वहाँ का, का? गुलशन इकबाल तेरा डी जाइए वहाँ पर सड़कों का हाल देखिए तो वहाँ का टाउन चेयरमैन कौन है जिना टाउन जाइए वहाँ पर सड़कों का हाल देखिए लांडी जाइए तो ये बड़ा अफसोस मुझे होता है कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो कहते हैं हमने किया जब कोई बुरी चीज़ हो जाती है ख़ुदा न खासा तो कहते हैं इसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर आयद होती है जो शहर के साथ बदकस्मती के साथ खिलवाड़ इनके अदवार में हुआ है चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे वो एम हो वो सब के सामने है मैं आज भी अगर आपको ज़मीनों की तफसील शेयर करूं कि किस तरीके से ज़मीन के टाइटल पे लिखा हुआ था कि एक तिहाई ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी है दो तिहाई को फ्री रखना है उसके ऊपर बुलंद इमारतें बनाने की इजाज़त किसके दौर में हुई किसने मास्टर प्लान को तब्दील करना शुरू किया ये सब सामने है मैं उस माजी में जाना नहीं चाहता मैं आगे का सोचते हुए हर किसी को ये कहता हूँ कि जो माजी की खामियाँ हैं उनसे सबक हासिल करें और आगे बेहतरी की तरफ जाएँ हाँ सेवरेज के मसाइल हैं पानी के मसाइल हैं लेकिन कोई टाउन वाला काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा हम ही काम करते हुए नज़र आ रहे हैं काम कर रहे हैं और इन शे जो काम का सिलसिला है इसी वजह से वो हमसे खाइफ हैं अच्छा है। मेयर साहब ये बताइएगा कि चलें यह तो आपने माजी की बात की मुस्तबिल में कराची के शहरीों के लिए क्या खुशखबरी है देखिए कराची शहर के अंदर पानी की सोर्स को बढ़ाने के लिए हब डैम से एक नई लाइन के ऊपर काम स्टार्ट हमने कर दिया है ये 20 साल के बाद कराची शहर में पानी में इजाफा किया जा रहा है आ, तकरीबन कोई 200 सौ पानी आ, की कैपेसिटी हमारी हो जाएगी और हम इमीडिएट हंड्रेड एम को वहाँ से आ, लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे जो कि तकरीबन कोई हंड्रेड परसेंट उस सोर्स में इजाफा हमारा होने जा रहा है इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दे रही है पानी की रीसाइकलिंग ताकि सनती इस्तेमाल में आपका पानी इस्तेमाल हो सके और मीठे पानी को आप लोगों के घरों में सप्लाई कर सके उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है टी पी थ्री पर उसका काम जारी है और वो काम लोगों को होता हुआ नज़र आ रहा है सेवरेज के मसाइल को हल करने के लिए जो हमने सक्शन और जेटिंग व्हीकल्स प्रोक्योर की थी तकरीबन कोई एक सौ बीस हैं जिस वक्त शहर की गली मोहल्लों में सड़कों पर काम करते हुए नजर आती हैं जिससे सेवरेज के निजाम में बहुत हद तक बेहतरी आई है जो पानी के लाइन लॉसेस थे जो धाबे जी और मलिर बंद और पिपरी से लाइनें आती थी वो आए दिन ब्रेकडाउन की वजह से उन पर लीकेज हो जाती थी उसकी असर नाममी की जा रही है ताकि पानी की लीकेज को ख़त्म किया जा सके ताकि उस पानी को बचा के आप शहरी को प्रोवाइड कर सकें काम स्टार्ट हमने उसके ऊपर कर दिया है डी सैलिनेशन का प्रोजेक्ट हो उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है मलर एक्सप्रेस जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेजर प्रोजेक्ट है शहर का रिंग रोड होगा उसके ऊपर काम तेज़ी के साथ जारी और इन अगले साल 14 अगस्त तक उस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा बसेज इस शहर के अंदर अब आ गई हैं चलना शुरू हो गई हैं मज़ीद बसेज आएँगी एम्बुलेंस सर्विस हमारी डबल वन डबल टू की फ्री ऑफ कॉस्ट चलना शुरू हो गई हैं हमारा फायर ब्रिगेड का निज़ाम एक ज़माने में आप सुनते थे कि कराची शहर में आग लगी और के पी टी की गाड़ियाँ आ गई फ़लाईदारे की गाड़ियाँ आ गई अब अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आग लगती है तो आपको यही के एम सी का फायर डिपार्टमेंट उसको रिस्पॉन्ड करते हुए नज़र आता है अभी शहर की सड़कों का बुरा हाल है हालिया बारिशों के बाद बारिशों में पानी नहीं खड़ा हुआ की सफ़ाई इसी के ने की जो कि पीपल्स पार्टी इस वक्त चला रही है आपके सामने आप मुझे दिखा दीजिए कि अगर किसी टाउन ने अपने नाले के ऊपर काम किया हो हमने वो सफाई करके दी पीपल्स पार्टी ने वो काम करके दिया और अब जो सड़कों की बहाली का काम है उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया जो कि शहर भर के अंदर जो हमारे इलाके हैं जो हमारी सड़कें के की उसकी अस्तरकारी का प्रोसेस प्रोक्योरमेंट के बाद स्टार्ट कर लिया जाएगा तो वो मनफी बात करने वाले मनफी बात करते रहेंगे हम सोच के साथ चल रहे हैं कि हाँ हमारा टारगेट है लोगों की खिदमत करना लोगों के मसाइल को हल करना और हम उसकी तरफ तार फरमाएँ बहुत शुक्रिया ये थे मेयर कराची मुर्तज़ा वाब इनका कहना है कि हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे लोग जो तनकीद करते हैं वो करते रहें